वेलकम टू आवर चैनल पनीशिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। नाम श्वेता। सो अभी हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स, जो आपके टीसीएस एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो आज है डे 48। सो अभी तक हमने बहुत दिन के बाद ये क्लास जो है कंटिन्यू कर रहे हैं, पर आप कुछ भी टेंशन ना लीजिए। अगस्त के एंडिंग में सारा का क्वेश्चंस, जो भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है अगस्त का, एक बार हम फिर से पढ़ लेंगे, ठीक है ना। सो चलो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अलाउड वुमेन टू सिट इन विच एग्जामिनेशंस रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। सो गवर्नमेंट ने वुमेन को कौन सी एग्जाम जो है लिखने के लिए परमिशन दिया है रिसेंटली। तो आंसर आपका हो जाएगा एनडीए एग्जामिनेशन। सो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बेंच ऑफ जस्टिसेस कौन थे, संजय कृष्णा और हृषिकेश रॉय। सो इन दोनों ने जो है इशू किया है एक इंटरिम ऑर्डर अलाउ करने के लिए वुमेन को ये एग्जामिनेशन लिखने के लिए। और ये एग्जामिनेशन इसी साल नवंबर 14 को जो है होने वाली है। याद रख लीजिए, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखेंगे, हु वन द मिक्स्ड डबल्स टाइटल एट द वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर टेबल टेनिस टूर्नामेंट इन बुडापेस्ट। सो किसने जीता है यहाँ पे, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, मनिका बत्रा एंड जी साहित्यान। ओके, सो इन दोनों को जो है मिली है। ओके, सो यहाँ पे अगर बात करते हैं बुडापेस्ट, सो किसकी कैपिटल है ये, हंगेरिया, हंगेरिया की कैपिटल है। अगर हम करेंसी की बात करेंगे तो पाउंड यहाँ का करेंसी है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है यहाँ पे, हु इज द चेयरमैन ऑफ द 8 मेंबर कमिटी फॉर्म टू डबल द प्रोडक्शन एंड क्वाड्रपल द एक्सपोर्ट ऑफ हैंडलूम इन 3 ईयर्स। सो क्वेश्चन समझ में आ गया है ना, किसको जो है अपॉइंट किया गया है चेयरमैन यहाँ पे, किस लिए इस कमिटी को फॉर्म किया गया है बोले तो, हैंडलूम्स है ना, उनकी जो एक्सपोर्ट है उसको डबल करने का या 4 टाइम्स ज्यादा करने के लिए इस कमिटी को जो है फॉर्म किया गया है। आंसर यहाँ पे सुनील सैत्ती आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कौन है, हमारे चेयरमैन है फैशन डिज़ाइन काउंसिल ऑफ इंडिया के, जो न्यू दिल्ली में है उसका चेयरमैन है, और इन्हीं को जो है अपॉइंट किया है 8 मेंबर कमिटी ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ हैंडलूम्स, इनको जो है अपॉइंट किया गया है, ठीक है ना। सो अगर हम दिल्ली की बात करेंगे, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल, लोकसभा एंड राज्यसभा सीट्स की बात करते हैं तो 7 लोकसभा सीट्स है, 3 राज्यसभा सीट्स है। ओके, सो नेक्स्ट देखना, विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूबल कंट्री अकॉर्डिंग टू हुरन ग्लोबल 500 मोस्ट वैल्यूबल कंपनीज लिस्ट 2021। सो हुरन ग्लोबल 500 मोस्ट वैल्यूबल कंपनीज लिस्ट में सो कौन सी कंपनी जो है पहली प्लेस में आ गई है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑब्वियसली एप्पल, ठीक है। सो अगर हम एप्पल की बात करते हैं तो इसके फाउंडेशन April 1st को हुआ था 1976 में। किसके द्वारा इसकी फॉर्मेशन किया गया है, तो स्टीव जॉब्स के द्वारा इसको किया गया है। अगर हम सीईओ की बात करेंगे तो टिम कुक इज राइट नाउ सीईओ, 2011 से सर्व कर रहे हैं इस कंपनी का सीईओ, ठीक है। सो समझ में आ गया है ना, याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सो विच इंडियन इज एट 97 स्पॉट इन द ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स। सो कौन है, सो यहाँ पे ये क्या होती है ना, सो इस लिस्ट में टोटली 100 टॉप 100 में एक इंडियन जो है इसमें है जो बिलियनर है। तो हमारे इंडियन कौन है जो 97th स्पॉट पे है, तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा राधा कृष्णन धामेनी हो जाएगा आंसर। सो इनके बारे में बात करेंगे तो ये कौन है, तो ये डीमार्ट के ओनर है। ओके, सो डीमार्ट आपको पता ही है ना, सो डीमार्ट के ओनर है। और अगर हम इनकी नेट वर्थ के बारे में बात करेंगे तो $19.3 बिलियन का इनका नेट वर्थ है। ओके, इतनी सी चीजें याद रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सो विच इंडियन एक्टर वॉज अमंग द विनर्स ऑफ द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द इंडियन फिल्म फेस्टिवल्स ऑफ मेलबोर्न अवार्ड्स
यहाँ पे इनमें से कौन है, कौन से एक्टर को जो है इस फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिली है, तो मनोज बाजपेयी को मिली है। साथ ही साथ यहाँ पे समंता अक्खिनेनी को भी मिला है फैमिली मैन सीजन 2 के लिए, इनको ये अवार्ड जो है दिया गया है। ओके, आप सारे लोगों ने भी देखा ही होगा, अमेजोन प्राइम पे अवेलेबल है। ओके, उनमें उसमें जो है बहुत अच्छी एक्टिंग की वजह से इनको ये अवार्ड जो है दिया गया था, ठीक है ना। सो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। सो किसको जो है सेक्रेटरी यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपूर्वा चंद्रा। अगर हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का मिनिस्टर कौन है, अनुराग ठाकुर है, बताइए ना। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। सो विच कंपनी हैज लॉन्च द स्मॉल बिजनेस लोन्स इनिशिएटिव इन इंडिया इन पार्टनरशिप विद द ऑनलाइन लेंडिंग प्लेटफॉर्म इंडीफाई। सो किसके साथ जो है यहाँ पे कोलैब करके या पार्टनरशिप करके एक प्लेटफॉर्म है जो इंडीफाई के साथ पार्टनरशिप करके स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव लॉन्च कर रही है, तो आंसर आपका हो जाएगा फेसबुक, ठीक है। सो फेसबुक कौन ओन करता है, मार्क जुकरबर्ग ओन करता है, तो ये याद रख लो, ये भी इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे देखना, सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, हु विल बी गिवन द फर्स्ट कॉन्ग्रेशियल गोल्ड मेडल फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इस प्रमोशन ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस। सो ये अवार्ड किसको मिल सकता है, आप सारे लोगों को पता है। सो प्रमोशन ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस अगर बात आती है तो ऑब्वियसली महात्मा गांधी जी को ही दिया जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी जी विल बी योर राइट आंसर। सो ये पहली बार जो है दिया जा रहा है ये अवार्ड, और पहली अवार्ड जो है महात्मा गांधी जी को दिया जा रहा है, और ये अवार्ड यूएस का है, और इसको इंट्रोड्यूस किया गया है यूएस के लॉ मेकर के द्वारा, ठीक है ना, याद रख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। सो हु ऑथर्ड द बुक टाइटल ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स, अ नॉवल इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। सो बुक्स इंपॉर्टेंट है, तीन बुक्स अभी हम आने वाले दो क्वेश्चंस में भी पढ़ने वाले हैं, सो याद रख लेना। ओके, सो ट्रोजन हॉर्स, ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स, ये बुक लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है, तो अभिषेक सारण के द्वारा लिखा गया है, और साथ ही साथ यह जॉइंटली लिखा गया है अभिषेक सारण एंड डीपी सिन्हा के द्वारा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ट्रोजन हॉर्स के बारे में हमने बचपन में पढ़ा ही है ना, सो वही है उसके बारे में है। नेक्स्ट, हु हैज पेन डाउन अ बुक टाइटल लाहौर, बुक वन ऑफ द पार्टीशन ट्रियोलॉजी। सो यहाँ पे पार्टीशन के बारे में लिखा गया है इस बुक में। सो किसके द्वारा लिखा गया है, मनप्रीत सोनी के द्वारा इस बुक को लिखा गया है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हु ऑथर द बुक टाइटल ऑपरेशन खोखरी, सो किसने लिखा है, सो आंसर आपका हो जाएगा राजपाल पूनिया हो जाएगा। सो यहाँ पे इस बुक में ऑपरेशन खुखरी एक्चुअली क्या है, यहाँ पे इंडियन आर्मी की एक सक्सेसफुल रेस्क्यू मिशन है, कहाँ पे हुआ था ये, सीरा लियोनी वेस्ट अफ्रीका में हुआ था। जो इस ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ था ये एक रेस्क्यू, सो उसी के बारे में इस बुक को लिखा गया है राजपाल पूनिया के द्वारा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, द लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम इन द कंट्री विल बी कंस्ट्रक्टेड इन व्हिच स्टेट। सो हॉकी में हमको मेडल मिला है इसलिए इसको स्टार्ट किया गया है हॉकी स्टेडियम, सो यहाँ पे उड़ीसा में होगा। ओके, उड़ीसा विल बी योर राइट आंसर, और कहाँ पे होगा, उड़ीसा में सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में होगा, और इसको जुलाई 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम उड़ीसा की बात करते हैं, चीफ मिनिस्टर है कौन है, नवीन पटनायक, एंड गवर्नर है गणेशी लाल। ओके, इतनी सी चीजें याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़े बुक्स एंड ये स्टेडियम वगैरह याद रख लो। ओके, सो राइट एवरीवन, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द सेशन, मिलते हैं अगले सेशन में कल इसी टाइम पे। थैंक यू ऑल, अगर सेशन अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय एवरीवन।